अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 37 साल के थे तो चारों तरफ ये देख रहे थे कि सारे गुनाह हो रहे हैं, हर तरफ जो है अय्याशियाँ हो रही है, नाच गाने हो रहे हैं, शराब आम पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, पासे खेले जा रहे हैं, कबीलों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लम को वो ऐसे कबीले की लड़ाई हो रही है कि उन कबीलों को भी मालूम नहीं है कि क्यों लड़ रहे हैं हम, यानी कब की लड़ाई, को 10वीं 20वीं पहली पीढ़ी उनकी लड़ाई किसी बात पे शुरू हुई तो खुद भी भूल गए, पर वो बस दुश्मन है, लड़ना है इनसे, ऐसे लोग थे, इतने जाहिल लोग तो उनको पता भी नहीं क्यों लड़ रहे हैं तो भी लड़े जा रहे हैं। उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लम का दिल उचाट हो गया इन सब चीज़ों को देख कर, ये नबूत मिलने से 3 साल पहले तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लम का दिल उचाट हो गया कि ये सब क्या हो रहा है, और उसको फिर उसमें फिक्र में हो गया कि कैसे ख़त्म होगा ये सब जहालत भरी हुई, ये सारी चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाएगा, और रात दिन माशरे की फिक्र के अंदर लगे हुए कि इसमें कैसे सुधार आए, कैसे इसके अंदर कैसे किया जाए, और आप इसमें घुटने लगे इसके अंदर कैसे, क्योंकि आपका किरदार यही था, आप फितरत ये थी कि कहीं वो देख नहीं सकते थे कि इतनी जहालत और ये हो, तो फिर आप जो है गारे हीरा में चले गए, वह सत्तू ले जाते थे 10-15 दिन का, वहीं पर रहते थे, ख़त्म हो जाता फिर घर आते फिर ले जाते, कभी कभी ख़त्म नहीं होता तो भी आते ही नहीं, वहीं पर रहते थे। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की ये भी कुर्बानी के हजरत खदीजा वहाँ पर उनके फिर सत्तू पहुँचाती थी, और आज भी अगर लोगों ने देखा हो जो गए हों वहाँ पर तो उनको मालूम है कि कैसे पहुँचाती हुई, आज भी चलना मुश्किल है, जबकि आज तो लाखों करोड़ों लोग चल के उन्होंने रास्ता बन गया हो चलने की वजह से, लेकिन उस वक्त के दौर के अंदर खदीजा कैसे चढ़ती होंगे उनको सत्तू देकर आती हूँ। और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लम जो है इनसे आयश हजरत खदीजा से भी बहुत ही कम बात किया करते थे, इतने आपका उन्होंने बुला लिया उस उनके गम में, पूरी कौम के गम में अपने आप को। वो फिर वहाँ पर उनको नबूत मिली, अभी नबूत मिली क्यों, ये तड़प थी उनके लोगों की भलाई, लोगों की फिक्र थी, इसकी वजह से नबूत ये भी मिली नबूत, और ये तड़प आखिरी वक्त तक रही आपकी मरते दम तक, आपकी यही तड़प रही हर उम्मत के लिए, हर लोगों के लिए। और इसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 6 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या है नबी, तुम इनकी फिक्र में खुद को भुला के अपनी जान को हलाक कर लोगे, अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो अपने आप को हलाक कर लोगे, तो तुम्हारा काम तो सिर्फ पहुँचा देना है, देख पहुँचा देना यहाँ पर है, इस कंडीशन में पहुँचा देना है। हमारे यहाँ पहुँचा देने का माना तो ऐसा होता है कि आदमी क्या करता है, एक को पकड़ा, दीन की दावत दी, देखो अल्लाह ये रसूल ये सही है, दीन है, हक की बात ये, तो मैंने तेरे को पहुंचा देना, अल्लाह गवाह है ना, पहुंचा दिया, हुज्जत पूरी। अल्लाह के रसूल सल्लम आखिरी वक्त तक तड़प थी उनके अंदर, ये तड़प होनी चाहिए। तो ये इस तड़प के बाद में फिर अगर कोई नहीं मानता तब कहते हैं पहुंचा देना, आप तो शुरू में स्टार्टिंग में पहुंचा देना, वो पहुंचा दिया और उसके बाद जैसा भी पहुंचाया सही भी पहुंचाया नहीं ना, लकुम देने को मले दी, भाई तू तेरे दिन पे मेरे दिन, वो बात खत्म, चलो आगे बढ़ो, वो गिनती बढ़ा दी, दिन नहीं पहुँचा रहे, तो ये तड़प होनी चाहिए। तो ये तड़प होगी तो फिर ये जिम्मेदारी का फरीजा, ये कार्य रिसालत का फरीजा अंजाम होगा। तो ये वो वक्त था जब आप गार में बैठे थे और ये होता था अल्लाह के रसूल सल्लम, ये अल्लाह के रसूल सल्लम किस चीज़ से हुआ, इसको बोलते हैं मुराकबा करना, ये मुराकबा था, ये मेडिटेशन था, और ये अल्लाह के रसूल सल्लम की ये सोचते थे बैठ कर, ये कायनात कौन चला रहा है, ये तो नहीं चला रहे जिनके जो अरब वाले इबादत करते वो तो नहीं चला रहे, और अल्लाह को अरब वाले मानते, सबसे बड़ा बुत अल्लाह का उन्होंने बना रखा था, और ये अल्लाह के रसूल हम ये कर रहे थे वहाँ पर, तो इसको मेडिटेशन कहा जाता है, जिसको आज लोगों को ले जाते हैं अलग अलग, इन्होंने बड़े बड़े इदारे खोल रखे हैं, लोगों को ले जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, नमाज से अच्छा मेडिटेशन है ही नहीं, तो नमाज को हमने सिर्फ एक्शन समझ लिया, हमने उसको समझा ही नहीं कि ये मुराकबा करने की चीज़ है, अल्लाह से ताल्लुकात पैदा करने की चीज़ है, अल्लाह से मुलाकात करने की चीज़ है, अल्लाह से कलाम करने की चीज़ है, ये हमने सोचा ही नहीं, ये ध्यान लगाने की चीज़ है, हमने सिर्फ उसको एक्शन कर लिया, इसलिए फिर मुसलमान को भी नमाज अलग पड़ रहा है और फिर मेडिटेशन करने के लिए अलग जा रहा है किसी गुरुजी के पास। कई मैं मुसलमानों को जानता हूँ जो गुरुजियों के यहाँ पर जा रहे हैं मेडिटेशन करने, बोले नमाज तो पूरी 5 टाइम की पढ़ते लेकिन जैन के अंदर सुकून नहीं है, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर मिलता है। ब्रह्म कुमारी वाले हमारे यहाँ पर है, तो आपने देखा होगा जो सफ़ेद साड़ियाँ पहन के औरतें निकलती हैं और जुलूस भी निकलता है उनका साथ पूरे के, अभी तेज़ी से फैल रहा है ब्रह्म कुमारी मज़हब जो है, उसके अंदर उनके जो फाउंडर हैं बाबा लेखराज, उन्होंने पूरा उनका मेडिटेशन का जितना भी जो लिया है सब नमाज से लिया उन्होंने, लेकिन नमाज की रूह ले ली उन्होंने, और हमने क्या कहा कि ऊपर से उसका बॉडी ले ली है, रूह हमने छोड़ दी, रूह हमारे पास है ही नहीं, नमाज उन्होंने रूह निकाल ली और उसी को मेडिटेशन करवाते हैं,
और नमाज की कैफियत, और वही निकालते और लोग मुसलमान जाते उनको पता नहीं कि हमारी नमाज हमको ही सिखाई जाए। और वो क्या है, मैं पहले वाले दरस में बता चुका कि किस तरह से वो मेडिटेशन किया जाएगा, किस तरह से वो नमाज पढ़ी जाएगी, तभी हम इस सब हमारे पास में आएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किया करते थे और फिर ये हुआ उनके साथ में। उनके अंदर रिसेप्टर था, यानी उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लम के अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का मादा था, रिसीवर लगा हुआ था। हालांकि मेडिटेशन दुनिया में लोग करते हैं लेकिन उनके अंदर हिदायत का रिसेप्टर नहीं होता, इसलिए वो हिदायत पर नहीं आते। लेकिन मेडिटेशन में तो लोग इतने आगे निकल जाते कि ध्यान के अंदर ऐसे लोग भी हुए कि जो ध्यान लगाते जमीन से 2 फीट ऊपर चले जाते हैं। कोई इसमें चमत्कार वाली बात नहीं है, ये सब ध्यान की बात है, होता है। आप देखिए दलाई लामा वगैरह जो पहाड़ों पर रहते हैं 10,000 फीट ऊपर रह रहे और यही सब करते रहते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं है क्योंकि अंदर रिसेप्टर नहीं है रिसीव करने का हिदायत। इस चीज़ पर तो महारत हासिल कर ली लेकिन वो चीज़ें उनके अंदर नहीं है। और ये कब आता है, ये जब आता है रिसेप्टर के जब उस चीज़ पर जम जाए जो अल्लाह ने कहा उसको हो जाए, तो फिर ये होगा। तो अब ये हम क्या करें, फिर हम भी 3 साल तक गार में जाए तब रिसेप्टर लगेगा हमारे अंदर, ये करना है। ये तो हमें दिया गया है, ये 5 वक्त की नमाज जो है ये हमारा मुराकबा करना है और ये होना चाहिए कि सबसे कटकर उस रब के सामने खड़े होने का तसव्वुर पैदा करें, उस सारा ध्यान उसके अंदर हमारा हो, जो कह रहे हैं वो अल्फाज के माने हमको मालूम हो और अल्लाह को वहां पर हाजिर माने, उसके हुजूरी का तसव्वुर हो, तो फिर ये मेडिटेशन हमारा, फिर ये सब चीजें हमारे सब निकल जाएंगी और ये हिदायत होगी और ईमान भी मुकम्मल होगा। ये मुलाकात का उससे, ऐसे मुलाकात उससे होती है, ये और ही होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, कोई अनोखी चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये तो होता है। आप देखिए अभी मोबाइल आदमी चलाता रहता है, वो ध्यान से मोबाइल के अंदर देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ सुन रहा है, दूसरा उसको आवाज देता है भाई, ध्यान ही नहीं उसको देखने में लगा, वो आंख नाक नजर दिमाग जेन सब उसमें लगा रखा, उसको देख रहा, उसको किताब पढ़ रहा है कोई, ये कोई काम कर रहा है तो इतना तल्लीन होकर काम करता है कि उसको कोई आवाज़ दे सुनाई भी नहीं देता, तो अचानक से कोई डर जाता, अरे डरा दिया यार तू, अरे मेरा ध्यान ही नहीं रहा है। कोई आदमी देख रहा है ध्यान उसका, उसका ध्यान लग जाता है, ऐसे भी लग जाता है, कोई देख रहा बोले जाके क्या देख रहा है, चौंक जाता है। ये ध्यान तो, ये तो दुनिया में भी कर रहा है आदमी, कर रहा है, तो क्या ये नमाज में पैदा नहीं हो सकता? नहीं, नमाज में पैदा किया जा सकता है और इसीलिए हमको ये नमाज दी गई, तो उसमें होता है। अब ये हो जाएगा तो फिर हमारी ज़िंदगी, ये सिफातें सारी खुद ब खुद आ जाएगी, फिर हमको कोई 3 साल गार में जाने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे भी किया जा सकता, हमको दिया गया है, तो ये जो दीन चाहता है। अब वो हालांकि वो तो अल्लाह ने खुद कहा कि मैं तुम्हारे शेरक से करीब, उसको कोई ढूंढने जाने की ज़रूरत थोड़ी, हमको तो बता दिया, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लम गए जब उस वक्त उनके पास वही नहीं हिदायत नहीं थी, तो वो तलाश रहे कहाँ है और गौर फिक्र कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, तब फिर अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और फिर बताया सब हमको, तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे तो अल्लाह, तुम कब कब कहाँ ढूंढने जा रहे हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शेर रख सके तुम्हारे पास में, यही रह के तुम उससे ताल्लुकात पैदा कर सकते हो, उससे मोहब्बत पैदा कर सकते हो, उससे रब्ता कायम कर सकते हो। अब उससे कनेक्टिविटी कोई भी नहीं होगी तो फिर ये होगा कि फिर हम उससे रब्ता नहीं कर सकते, उससे हम कनेक्ट रहें तो फिर वो रास्ता भी हमको मिलेगा। और ये अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से जो है ये फरमाया कि वजद का जालन फादा, ये तुम देखो भटक रहे थे, तुमको रास्ता नहीं मिल रहा था, हमने तुमको रास्ता बता दिया, तुम ढूंढ रहे थे ना कि कहाँ हो, किस तलाश में थे, किस चीज़ के अंदर, तो तुम भटक रहे थे, हमने तुमको रास्ता दे दिया, तुमको नहीं मिल रहा था, तो ये फिर वहाँ से इनकलाब आया। और आज दुनिया के अंदर वो इनकलाब जो गारे हिरा से निकला था, वो इनकलाब आज 1.5 अरब लोगों का पहुंच गया है, जो अपने आप को, इतने सारे लोग 1.5 अरब लोग अपने आप को कहते हैं कि हम उस रसूल के मानने वाले, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। अब पता नहीं मानने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि एक लफ्ज़ है सिर्फ मानने वाले हैं, ये से मानना तो नहीं होता जो खाली उसको मुँह से कह दिया जाए, तो वो सिर्फ कहते हैं और हम भी सुनकर ना रह जाए, हम भी सुन के रह जाए उसी बातों को, ठीक है जिस तरह तकरीर सुनते ही भी तकरीर हो गई, तो फिर कभी भी कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उसको, उस चीज़ों को ज़िंदगी में ना लाए, अमल में ना लाए। थोड़ा थोड़ा आपने सुना 100 बार, एक बात भी आपने ली, एक चीज़ हो गई, फिर कभी किसी दर्स में गए, किसी को सुना हमने, वहाँ से 100 बात हुई, फिर एक चीज़ ले ली, फिर कहीं पर गए वहाँ से एक चीज़ ले ली, फिर किसी ने 10 बयान करी थी वहाँ पे कुछ ले लिया, आपके अंदर कुछ लेते लेते 10-5-7 सालों में आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी।
जरूरी नहीं कि बस फट से आज सोया सुबह तो सुबह मुत्तकी परहेजगार उड़ गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे होता है, प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं और धीरे धीरे सब चीज़ें उसके अंदर हमको मिलती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम की ये जो ज़िंदगी है, जो नबूवत से पहले की है, ये भी जो ज़िंदगी उनकी काबिले तकलीद है कि हम इसकी इत्तिबा करें। सिर्फ ये नहीं कि रसूल रिसालत के बाद की ज़िंदगी, क्योंकि ये भी अल्लाह की निगरानी में के अंदर ज़िंदगी थी। मैंने आपको बताया था पूरा वाक्य उसमें बचपन में, तो ये उसके अंदर, तो ये वो अल्फाज जो है वो बाद में आए, लेकिन आपकी ज़िंदगी वही थी जो कुरान की थी, जो कुरान ने बतलाई। अल्फाज बाद में आए, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पहले से वही थी। तो ये रिसीवर सबके अंदर आ सकता है, उसे एक्सेप्ट करने का मादा जो अल्लाह के रसूल सल्लम के अंदर आया। शर्त क्या है कि राबता करे, और भी बहुत चीज़ें हैं सुनने कहने की, लेकिन कितनी बता लें, लेकिन असल फ़ायदा तब है कि जब उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर चाहे कितनी बातें बोल दो, पूरी रात बोल दो, फ़ायदा उससे फिर कुछ होने वाला नहीं। तो उसमें यह है कि अभी सुनने का फ़ायदा इतना ज़रूर है कि इल्म मालूम हो जाता है, कोई चीज़ हमारे पास मालूम हो जाती है। कभी ज़िंदगी में कहीं अटकाव भटकाव कुछ मसाइल पेश आता है तो वो बात याद हमको रह जाती है, तो उससे हमारा मसला हल हो जाता है। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं कि यार वो चीज़ें पैदा नहीं हो रही इस नमाज से, बात याद आ जाती है तो उसको हम कोशिश करते हैं तो वो हो जाती है। तो ये फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन सिर्फ खाली मसाइलों के याद रखें, किसी से झगड़ने के लिए याद रखें इन दलीलों को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कि असल की तरफ नहीं जा रहे। तो असल तो उससे नसीहत लेना है, उसको ज़िंदगी में फ़ायदा और फ़ायदा अपना उससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुँचाना, तब जाके हम उम्मती होंगे। तो ये फिर हमारी दोनों जगह की ज़िंदगी संवर जाएगी, इस दुनिया की भी और आखिरत की।